हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश गोरा स्वागत करता हूं आपका आरजे केयरपॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वीडियोज की जो लेटेस्ट अपडेट है आप तक पहुंचती रहे। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी, पीडीटी की क्लास हमने ली थी, उसमें हमने आपको बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो कैसे एक बेबी की जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है किसी फैक्टर के कारण, और कैसे उसका जो बॉडी का वेट है, हाइट है, हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस किस रेशियो से इंक्रीज होती है। यहां से भी जो कंबाइंड एम्स का एग्जाम है उसके अंदर एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा था कि आपको वन ईयर पे जो बेबी का वेट है वो मल्टीपल टाइम में कितना बढ़ता है। ठीक है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आपको थ्योरी से मिल जाते हैं देखने के लिए। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आप एक बार शेयर कर दे क्लास को ताकि सभी स्टूडेंट लाइव आ जाए। फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा, जिसमें अपन बात करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द न्यूबॉर्न, हेड टू टॉय एग्जामिनेशन ऑफ न्यूबॉर्न, जिसके अंदर अपन बात करेंगे उसका बॉडी का वेट कैसे होता है, इंक्रीज कैसे होता है। ठीक है, हेड सर्कमफेरेंस नॉर्मली क्या होता है, अगर एबनॉर्मल कंडीशन में हो तो क्या देखने को मिलेगा हमें, जो भी नॉर्मल और एबनॉर्मल क्राइटेरियाज होते हैं उसके हेड टू एग्जामिनेशन के अंदर, उन सभी की अपन बात करेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। अभी कुछ थ्योरिटिकल क्लासेस आपकी चल रही है और क्वेश्चन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट करने में है। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, एक बार आप शेयर कर दें ताकि स्टूडेंट लाइव आ जाए। फिर आज का हमारा टॉपिक होगा फिजिकल एग्जामिनेशन, और इसी के साथ बताता हूं आपको कि यूपीएनएचएम की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है। जिन स्टूडेंट की यूपीएनएचएम की एग्जाम है वो टेस्ट सीरीज से भी आप प्रैक्टिस करें, बाकी क्लासेज आपके लिए थ्योरेटिकल क्लासेज आपके लिए लगी रही है कंटिन्यू। और क्वेश्चन सेशन के लिए आपको जो टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया इसमें आपको 4 मॉक टेस्ट मिलेंगे, तो आप सिंपली वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करें और वहां जाके आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, एक बार आप शेयर कर दें क्लास को। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर हेड, इसमें अपन बात करेंगे हेड टू टॉय एग्जामिनेशन। ठीक है, हेड टू टॉय एग्जामिनेशन। ठीक है, ये अपने दो क्लासों के अंदर कंप्लीट हो पाएगा, ये एक सिंगल क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, दो क्लासों में इसको कंप्लीट हो पाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें हेड, तो न्यूबॉर्न बेबी के हेड से रिलेटेड, तो इसका मैंने आपको बता दिया सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 33 to 35 सेंटीमीटर एट बर्थ, 33 to 35 सेंटीमीटर होती है बर्थ के टाइम पर, ये नॉर्मल होती है। ठीक है, अगर हेड सर्कमफेरेंस बिलो 33 होती है, बिलो 33 अगर होती है तो उसको बोलेंगे अपन क्या, माइक्रोसेफेली। क्या बोलते हैं, माइक्रोसेफेली। ठीक है, अगर मोर देन 35 सेंटीमीटर हमें देखने को मिलता है तो उसको बोलेंगे क्या अपन, मैक्रोसेफेली, मैक्रोसेफेली। और बेबी का जो हेड होता है उसकी लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ का जो हेड लेंथ है कितनी होती है, 1/4 ऑफ टोटल बॉडी लेंथ, कितने होती है, 1/4 ऑफ टोटल बॉडी लेंथ। हेड की लेंथ कितनी होती है, बॉडी की कितनी होती है, 1/4 लेंथ होती है। हेड लेंथ कितनी होती है, 1/4 ऑफ टोटल बॉडी लेंथ होती है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड देखिए, ड्यूरिंग द डिलीवरी अपन क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो इट मे बी कि ड्यूरिंग द डिलीवरी क्या हो सकता है, कुछ बर्थ इंजरीज भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहां पर हेड के अंदर फिजिकल एग्जाम में क्या देखने को मिल सकता है हमें, बर्थ इंजरीज लाइक एज सिफेल हिमेटोमा। क्या बोलता है, सिफेल हिमेटोमा, एंड सेकेंड इज कैपेट सक्सिडिनम, सेकेंड इज कैपेट सक्सिडिनम। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हो सकती है, एक होता है सिफेल हिमेटोमा और एक होता है कैपेट सक्सिडिनम। ड्यूरिंग द बर्थ क्या हो सकता है, बर्थ इंजरीज हमें देखने को मिल सकती है। तो इनके अंदर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनते हैं आपके अंदर, देखिए उसको एक बार चेकआउट कर लेंगे अपन। ठीक है, जो आप बता रहे हो क्राइडू चेस्ट सिंड्रोम में, उसको मैं आपको चेकआउट करके नेक्स्ट क्लास में आपको दोबारा बता दूंगा। ठीक है, यहां पर देखिए सिफेल हेमेटोमा और कैपेट सक्सिडिनम, सिफेल हेमेटोमा और कैपेट सक्सिडिनम में देखिए डिफरेंस क्या है, कई बार यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहां पर मोस्टली होता क्या है, स्वेलिंग होती है। कैपेट सक्सिडिनम में किसका कलेक्शन होता है,
ब्लड का, किसका कलेक्शन होता है ब्लड, एंड सॉरी सेफेलोमेटम में किसका, ब्लड का, और कैपर्ट सक्सेसम में फ्लूइड कलेक्शन होता है, ठीक है, फ्लूइड का कलेक्शन होता है, क्योंकि जब बेबी की डिलीवरी होती है तो पेल्विस के कंप्रेशन कारण क्या होता है, उसके वीनस चैनल कंप्रेस हो जाते हैं, वीनस चैनल कंप्रेस अगर हो जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो फ्लूइड है वो ब्लड कैविटी, जो ब्लड कैविटीज है मतलब जहां से फ्लूइड अपन फ्लो हो रहा है, ठीक है, ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है वो एस्केप हो जाता है, एस्केप होके वहां पर स्वेलिंग क्रिएट करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी जब बेबी अपनी बर्थ कैनाल से पास आउट होता है, बर्थ कैनाल का मतलब हम बात कर सकते हैं कि पेल्विस के अंदर, और अगर कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की कंडीशन है तो वहां पर ये दोनों कंडीशन देखने को मिल सकती है, कैपर्ट सक्सिजनम और सिफेल हेमेटोमा। तो कैपर्ट सक्सिजनम के अंदर क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन होता है, सिफेल हेमेटोमा में ब्लड का कलेक्शन होता है। अब यहां पर देखिए कुछ डिफरेंस जो है, सिफेल हेमेटोमा क्या होता है, अपियर आफ्टर बर्थ, अपियर आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद में अपियर होता है, डू नॉट क्रॉस द, डोंट क्रॉस सूचर लाइन, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता, ठीक है, सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है क्या, सिफेल हेमेटोमा। और ये जो होता है कैपर्ट सक्सिजनम, ये एट बर्थ क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट बर्थ, प्रेजेंट एट बर्थ, एंड क्रॉस द सूचर लाइन, और क्रॉस किसको करता है, सूचर लाइन को। और कैपर्ट सक्सिजनम जो होता है डिसअपियर हो जाता है 48 टू 72 आवर्स के बाद में, क्या होता है कैपर्ट सक्सिजनम डिसअपियर हो जाता है, कब, 48 टू 72 आवर्स के बाद में ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है कैपर्ट सक्सिजनम, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ड्यूरिंग द बर्थ, ठीक है, जब बर्थ बेबी का बर्थ होता है उसी टाइम पर क्या देखने को मिलेगा हमें, कैपर्ट सक्सिजनम देखने को मिलेगा, जबकि जो सिफेल हेमेटोमा है वो बाद में अपियर होता है, और ये डिसअपियर होता है कब, आफ्टर 1 to 2 week, आफ्टर 1 to 2 week के बाद में क्या होगा, डिसअपियर होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है, यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हेड के फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें, नेक्स्ट वन बात करें, इसके अंदर देखिए हेड में सूचर्स, सूचर कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज फ्रंटल, सेकेंड इज कोरोनल, थर्ड इज सेजाइटल, फोर्थ इज लैम्ब्रोइडल, एंड लास्ट है स्क्वैमस सूचर, स्क्वैमस सूचर। तो जो फ्रंटल सूचर होता है कहां पर प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन टू फ्रंटल बोन, कहां पर प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन टू फ्रंटल बोन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कॉर्नल सूचर, इन बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है सेजाइटल सूचर, इन बिटवीन टू पैराइटल बोन्स, इन बिटवीन टू पैराइटल बोन। नेक्स्ट इज लैम्ब्रोइडल, इन बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, इन बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन के बीच में क्या होता है, ये लैम्ब्रोइडल सूचर प्रेजेंट होता है। और स्क्वैमस सूचर जो होता है वो टेम्पोरल एंड पैराइटल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पांच सूचर प्रेजेंट होते हैं, पांच सूचर प्रेजेंट होते हैं। अब सूचर से रिलेटेड देखिए एक क्वेश्चन और आता है, इन सूचर की भी क्या होती है, क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग ऑफ सूचर, क्लोजिंग ऑफ सूचर कब होती है, सूचर की क्लोजिंग 6 मंथ टू 2 ईयर के बीच में क्या होती है, सूचर्स की क्लोजिंग होती है। अगर कंडीशन होती है अर्ली क्लोजिंग ऑफ सूचर, क्या होता है अर्ली क्लोजिंग ऑफ सूचर, अगर सूचर की अर्ली क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है उसको क्या बोलेंगे अपन, क्रेनियो साइनोस्टोसिस, सॉरी क्या बोलते हैं, क्रेनियो साइनोस्टोसिस, ये टर्म आप याद रखना, अर्ली क्लोजिंग ऑफ सूचर क्या कहलाएगा, क्रेनियो साइनोस्टोसिस, सॉरी।
की तो बात हो गई सूचर की, हेड का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हेड के अंदर फॉन्टेनेल्स, नेक्स्ट है फॉन्टेनेल। अब देखिए मोस्टली इसके अंदर क्या होते हैं, टू फॉन्टेनेल अपन स्टडी के रूप में अपन बात करते हैं जहां से अपने क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन टोटल फॉन्टेनेल कितने होते हैं, टोटल इज सिक्स फॉन्टेनेल। ठीक है, छह फॉन्टेनेल होते हैं। अब इसके अंदर देखिए मोस्टली अपन बात करते हैं, अगर छह का नाम बताऊं आपको, एक होता है एंटीरियर फॉन्टेनेल, एक होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल, ठीक होता है, एक होता है स्पिनॉइड, कौन सा होता है स्पिनॉइड, एक होता है इथमोइड, सॉरी मैस्ट्रॉइड, ठीक है, कौन सा होता है मैस्ट्रॉइड, एक होता है सेजाइटल और एक होता है पैराइटल, ठीक है। ये छह फॉन्टेनल होते हैं जिसके अंदर अपन बात करते हैं मोस्टली किसकी, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल, ठीक है। दो फॉन्टेनल अपन पढ़ते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। एंटीरियर फॉन्टेनल क्या बोलते हैं अपन, ब्रैग्मा, क्या बोलते हैं ब्रैग्मा, और पोस्टीरियर क्या बोलते हैं अपन लैम्ब्डा, क्या बोलते हैं लैम्ब्डा, ठीक है। एंटीरियर फॉन्टेनल की साइज कितनी होती है 3 सेंटीमीटर, पोस्टीरियर की होती है 1.2 सेंटीमीटर। एंटीरियर फॉन्टेनल जो होता है वो 4 सूचर लाइन और 3 सूचर से मिलकर बना होता है, किससे, 3 सूचर एंड 4 सूचर लाइन से मिलकर बना होता है, ठीक है। देखिए सीएचओ के लिए आपको चाहिए तो जो सीएचओ की क्लासे हमारी हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक करें, सीएचओ की हमने मोस्ट ऑफ द क्लासे करवा रखी हैं और इसके साथ सीएचओ की टेस्ट सीरीज भी आप तो आप ज्वाइन कर ले, ठीक है। 15 फरवरी को आपका एग्जाम है तो आप सीएचओ की क्लासे हमारी प्लेलिस्ट से आप चेक करें, वहां पे मोस्ट ऑफ द क्लासे हमने करवा रखी है सीएचओ के लिए और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो वहां से आप टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर लें। तो देखिए 3 सेंटीमीटर क्या होते हैं, इसकी साइज होती है एंटीरियर फॉन्टेनेल की, पोस्टर की होती है 1.2 सेंटीमीटर। एंटीरियर फॉन्टेनेल को बोलते हैं अपन क्या, ब्रैग्मा, और पोस्टर को बोलते हैं क्या अपन लैम्ब्डा। अब देखिए एंटीरियर फॉन्टेनेल जो होता है वो 3 सूचर और 4 सूचर लाइन से मिलकर बना होता है। 3 सूचर कौन कौन से है, फर्स्ट तो होता है फ्रंटल, ठीक है, सेकेंड कौन सा होता है सेजाइटल, और थर्ड कौन सा होता है कॉर्नल। ये 3 सूचर हो गई और 4 सूचर लाइन हो गई। ऐसे ही जो पोस्टर फॉन्टेनेल होता है वो 2 सूचर से मिलकर बना होता है और 3 सूचर लाइन, एक होता है सेजाइटल और एक होता है लैम्ब्डोइडल, ठीक है। अब यहां पे अपने क्लोजिंग की बात करते हैं तो एंटीरियर फॉन्टेनेल क्लोज होता है 18 मंथ पे क्लोज होता है, ठीक है, और ये होता है 6 वीक पर। ये क्वेश्चन आया था अभी एम्स के एग्जाम के अंदर कि पोस्टर फॉन्टेनेल कब क्लोज होता है, ठीक है, 6 वीक पर। ऐसे आप याद रख ले कि डेढ़ साल पे क्या होता है एंटीरियर क्लोज होता है और डेढ़ महीने पे क्या होता है पोस्टीरियर क्लोज होता है। कई अपन बुक्स के अंदर पढ़ते हैं कि 6 to 8 वीक लिखा होता है, तो ये चीज कंफ्यूज कर रही थी स्टूडेंट को उस एग्जाम के अंदर, तो आप सिंपली याद रखिए 6 वीक पर क्या होता है पोस्टीरियर फॉन्टेनेल क्लोज होता है, ठीक है। पोस्टीरियर फॉन्टेनेल कब क्लोज होता है, 6 वीक पर क्लोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गई किसकी, फॉन्टेनेल की बात, मतलब फिजिकल एग्जाम के अंदर हमने देख लिया सूचर के बारे में, फॉन्टेनेल्स के बारे में, और जो हेड सर्कमफेरेंस होती है अगर इंक्रीज होगी तो क्या कहलाएगा मैक्रोसिपेली, डिक्रीज होगी तो माइक्रोसिपेली कंडीशन कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां से आईज, ठीक है, आईज का फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकेंड इज आई। अब देखिए आईज जो होती हैं वो क्या होती है, सिमेट्रिकल होती हैं, क्या होती है सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है, आईज क्या होती है सिमेट्रिकल होती है, और इसके अंदर जो इनर कैंथस के बीच में स्पेस है, इनर कैंथस जो स्पेस होता है कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। पहले अपन नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, किसी भी जिसकी फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें पहले उसका नॉर्मल क्राइटेरिया देखेंगे, फिर उसके बाद में उसकी एबनॉर्मल क्राइटेरिया देखेंगे, ठीक है। इनर कैंथस के बीच में जो स्पेस होता है 2.5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अगर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन,
कलर की बात करते हैं, आईज का जो कलर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? स्किन कलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। बेबी की स्किन कलर पे डिपेंड करता है आईज का कलर। अगर स्किन का कलर कैसा है, लाइट कलर है, स्किन का कलर कैसा है, लाइट कलर स्किन है अगर, तो उसकी आईज का कलर कैसा होगा, स्लेट कलर आईज, ठीक है, स्लेट कलर आईज। ध्यान रखना, स्किन का कलर जो है वो, सॉरी, आईज का कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, स्किन कलर ऑफ बेबी, बेबी की स्किन कलर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर यहां पर लाइट कलर है, स्किन का कलर कौन सा है, मैंने बताया आपको स्किन कलर कैसा है, लाइट कलर है, लाइट कलर होगा तो आईज का कलर कैसा होगा, स्लेट कलर आईज। अगर स्किन का कलर कैसा है, डार्क है, स्किन का कलर कैसा है, डार्क है, डार्क कलर अगर स्किन है तो आईज का कलर कैसा होगा, डार्क ब्लू, कैसा होगा, डार्क ब्लू या डार्क ब्राउन, या डार्क ब्राउन होगा, ठीक है। ये होता है नॉर्मल आईज कलर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्यूपिल की साइज, प्यूपिल की बात करते हैं। प्यूपिल देखिए, नॉर्मल अगर लाइट की बात करते हैं, ब्राइट लाइट अगर है, अगर ब्राइट लाइट अगर है तो प्यूपिल की साइज कितनी होगी, 2 to 4 mm। ब्राइट लाइट के अंदर जो प्यूपिल की साइज होगी क्या होगी, 2 to 4 mm। नवीन जी बता रहे हैं, एक मिनट, सिपेल हेमटोमा क्रॉस कैसे करेगा, ठीक है। ये ना देखिए, क्रॉस करने का मतलब यहां पर क्या है, आप जो पूछ रहे हैं कि सिपेल हेमटोमा क्रॉस दे सूचर लाइन, पहले तो ध्यान रखिए आप कि सूचर लाइन को क्रॉस कौन नहीं करता, सिपेल हेमटोमा नहीं करता, कैपट सक्सिडिनम करता है, ठीक है। जो फ्लूड कलेक्शन है वो सिपेल हेमटोमा के अंदर, सॉरी, जो फ्लूड कलेक्शन है कैपट सक्सिडिनम के अंदर वो क्या करता है, सूचर लाइन को क्रॉस करता है। और यहां पर अपन बात करें सिपेल हेमटोमा की, मतलब कहां पर है वो, पेरिओस्टियल रीजन पर, कहां पर है, पेरिओस्टियल, स्किन और बोन के बीच में, कहां पर है, इन बिटवीन स्किन एंड बोन, ठीक है। तो जो अगर ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं, जैसे मान लो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस के दौरान क्या होगा, बेबी डिलीवर होता है, और बेबी डिलीवर होने के कारण क्या होगा, ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, तो ब्लड वेसल रप्चर होकर जो ब्लड कलेक्ट होता है वो अंडर द स्किन, अंडर द स्किन एंड सूचर लाइन के नीचे होता है, बीनीथ द सूचर लाइन, ठीक है, बीनीथ द सूचर लाइन, सूचर लाइन के नीचे ही कलेक्ट होता है ब्लड, सूचर लाइन को क्रॉस करके स्किन के अंडर पे नहीं आता, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं कि सूचर लाइन को क्रॉस नहीं कर पाता है सिफेल हेमेटोमा, सिफेल हेमेटोमा के अंदर सूचर लाइन जो होती है अपनी वो क्रॉस नहीं होती है, क्योंकि जो ब्लड है वो कहां पर होता है, स्किन और बोन के बीच में क्या होता है, कलेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, हाँ, प्यूपिल की अगर बात करते हैं तो ब्राइट लाइट के अंदर, ब्राइट लाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ब्राइट लाइट में जो प्यूपिल की साइज होगी वो 2 to 4 mm होती है, ठीक है। और डिम लाइट के अंदर, डिम लाइट के अंदर क्या होगा, 4 to 8 mm, 4 to 8 mm होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां से प्यूपिल की साइज की। अगर प्यूपिल, ये तो बात होगी कि प्यूपिल का डायमीटर कितना होता है अकॉर्डिंग टू ब्राइट लाइट एंड अकॉर्डिंग टू डिम लाइट। अब इसका डायमीटर की बात करें, प्यूपिल का डायमीटर कैसा होता है, इक्वल, कैसा होता है, इक्वल शेप एंड डायमीटर नॉर्मली, ठीक है, इक्वल शेप एंड डायमीटर होता है, ये नॉर्मल बात कर रहे हैं अभी। अब यहां से देखिए, अगर अनइक्वल डायमीटर है, क्या है, अनइक्वल डायमीटर ऑफ प्यूपिल, अनइक्वल डायमीटर ऑफ प्यूपिल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एन आइसोकोरिया, क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, एन आइसोकोरिया, अनइक्वल डायमीटर ऑफ प्यूपिल इज नॉन एज एन आइसोकोरिया। अप्रोक्सीमेट 20% न्यूबॉर्न बेबी के अंदर ये कंडीशन होती है,
वैसे हार्मलेस है ये कंडीशन, कोई ज्यादा अपने हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता इसका, लेकिन यहां पर क्या होता है जो पीपल का डायमीटर होगा वो क्या होगा, अनिपिकल होगा, ठीक है। कैपर्ट सक्सिडियम देखिए 48 टू 72 हावर्स बाद में कैपर्ट सक्सिडियम डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। 48 टू 72 और बाद में, ठीक है। एन आइसोकोरिया क्या कहलाएगा, एन आइसोकोरिया अनइक्वल डायमीटर ऑफ प्यूपिल, कंडीशन कहलाएगी एन आइसोकोरिया। अब नेक्स्ट हम बात करें यहां से कि नॉर्मली जो डिस्चार्ज है आइस के अंदर, डिस्चार्ज क्या होते हैं, एबसेंट होते हैं। आइस के अंदर डिस्चार्ज क्या होगा, नॉर्मली एबसेंट होता है। अगर डिस्चार्ज प्रेजेंट है, अगर डिस्चार्ज प्रेजेंट है मतलब इंफेक्शन की कंडीशन है, इंफेक्शन कंडीशन प्रेजेंट है, और इंफेक्शन कौन सा हो सकता है इसके अंदर, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ठीक है, या क्लेमाइडिया कंजक्टिवाइटिस, या क्लेमाइडिया कंजक्टिवाइटिस, कंडीशन कहलाती है क्लेमाइडिया कंजक्टिवाइटिस और ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम में क्या होगा, रेगुलर आइस के अंदर डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम या क्लेमाइडिया ट्रैक जो कंजक्टिवाइटिस की अगर इंफेक्शन प्रेजेंट है तो आइस के अंदर क्या होगा, रेगुलर डिस्चार्ज प्रेजेंट होगा। नॉर्मली आइस से कोई डिस्चार्ज हमें देखने को नहीं मिलता, डिस्चार्ज एब्सेंट होता है आइस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां पर ईयर, एक चीज और देख लीजिए इसमें, जो मैंने अभी आपको बताया था कि इनर कैंथस के बीच में जो स्पेस होता है कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, किसके बीच में, इनर कैंथस, इनर कैंथस का स्पेस कितना बताया था, 2.5 सेंटीमीटर। यहां पर भी एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिल सकती है, कौन सी, हाइपर हाइपर टीलोरिज्म, हाइपर टीलोरिज्म, ठीक है, हाइपर टीलोरिज्म की कंडीशन होती है अगर ये जो डिस्टेंस है मोर देन 2.5 सेंटीमीटर अगर होती है तो कंडीशन कहलाएगी हाइपर टीलोरिज्म। क्या कहलाएगी, हाइपर टीलोरिज्म, अगर इनर कैंथस के बीच का जो स्पेस होता है वो मोर देन 2.5 सेंटीमीटर अगर होता है, मोर देन 2.5 सेंटीमीटर अगर है तो कंडीशन कहलाएगी हाइपर टीलोरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट अपना जो पार्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन का वो है ईयर, थर्ड है ईयर। नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों कंडीशन की हम बात करते हैं, ठीक है। ईयर की बात करें सबसे पहले, ईयर क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। ईयर क्या होते हैं, सिमेट्रिकल, दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं, दोनों की शेप इक्वल होती है, दोनों की लोकेशन इक्वल होती है, साइज इक्वल होती है, ये है नॉर्मल क्राइटेरिया। किसी भी अगर टॉपिक की बात करें तो उसमें पहले नॉर्मल क्राइटेरिया बात करेंगे, फिर उसके बाद अपन फिजिकल असेसमेंट के अकॉर्डिंग क्या करें अपन कि कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन उसमें देखने को मिल सकती है ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। देखो आप कंटिन्यू स्टडी फोकस करो, जहां पर आपको दिक्कत होती है वो आप क्वेश्चन पूछें, ये पर्सनल बातें हैं जो आप बाद में कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिमेट्रिकल होता है क्या, ईयर्स। अब ईयर्स का अपन लोकेशन की बात करें, लोकेशन देखिए, ईयर की लोकेशन की बात करें तो अपन क्या करेंगे, यहां से आउटर कैंथस ऑफ आई से क्या करेंगे अपन, एक इमेजिनरी प्लेन क्या करते हैं, इमेजिनरी प्लेन बनाते हैं, कहां से, आउटर कैंथस ऑफ आई, इसके अंदर देखिए, आईज का जो आउटर कैंथस है वहां से क्या करें अपन, एक इमेजिनरी प्लेन हमने तैयार किया, तो उस इमेजिनरी प्लेन के क्या होता है, जस्ट अबाउ क्या होता है, ऑरिकल पिन्ना प्रेजेंट होता है, ठीक है। ईयर का जो ऑरिकल पिन्ना है वो इनर कैंथस, सॉरी आउटर कैंथस ऑफ आई से जो हमने इमेजिनरी प्लेन तैयार किया है उसके ऊपर प्रेजेंट होता है क्या, ऑरिकल पिन्ना, ठीक है। ईयर का जो ऑरिकल पिन्ना है उसके जस्ट अबाउ क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये तो होती है इसकी नॉर्मल लोकेशन।
जस्ट अबाउ द इमेजिनरी प्लेन ऑफ आउटर कैंथस ऑफ आई, ठीक है। अब अगर यहां पर एब्नॉर्मल कंडीशन हमें देखने को मिलेगी तो वो क्या होगा, बिलो द एब्नॉर्मल कंडीशन की बात करें, ठीक है, एब्नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन समझ में आ गई आपको, लिखने की जरूरत नहीं होगी कि हमने क्या किया, आउटर कैंथस ऑफ आई से एक इमेजिनरी प्लेन तैयार किया और उस इमेजिनरी प्लेन के जस्ट अबाउ क्या होता है, उस ईयर ऑरिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर एब्नॉर्मल कंडीशन देखते हैं क्या होगा, इसमें ईयर की लोकेशन क्या होगी, बिलो द इमेजिनरी प्लेन। इमेजिनरी प्लेन आपको पता ही है कौन सा है, इमेजिनरी प्लेन के जस्ट बिलो हमें देखने को मिलेंगे ईयर। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, Low set ऑफ ईयर, लो सेट ऑफ ईयर, ये सिंगल टर्म होती है ऐसे, ठीक है, लो सेट ऑफ ईयर। और ये किसको इंडिकेट करती है, डाउन सिंड्रोम को, किसको इंडिकेट करती है, डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करती है, ठीक है। लो सेट ऑफ ईयर किसको इंडिकेट करता है, डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है, ध्यान रखना, लो सेट ऑफ ईयर किसको इंडिकेट करेगा, डाउन सिंड्रोम को। एबनॉर्मल कंडीशन है ईयर के अंदर, बिलो द इमेजिनरी प्लेन, बिलो द इमेजिनरी प्लेन लो सेट ऑफ ईयर कंडीशन हमें देखने को मिलती है और ये कंडीशन इंडिकेट करती है डाउन सिंड्रोम को। समझ में आ गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहां से, ये तो हो गया किसका, ईयर के बारे में। अब यहां पर एबनॉर्मल कंडीशन और देखने को मिल सकती है, नॉर्मली ईयर से कोई डिस्चार्ज हमें देखने को नहीं मिलता। डिस्चार्ज की अगर बात करते हैं ईयर से, तो डिस्चार्ज क्या होता है, एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर डिस्चार्ज प्रेजेंट है, अगर डिस्चार्ज प्रेजेंट है मतलब इंफेक्शन की कंडीशन है, और मोस्ट कॉमन ईयर इंफेक्शन कौन सा होता है, ओटाइटिस मीडिया, कौन सा होता है, ओटाइटिस मीडिया। एंड ओटाइटिस मीडिया किसका रीजन होता है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेशन, किसके कारण, क्लेफ्ट पैलेट। अगर बेबी के अंदर क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन है तो वो सबसे मोस्ट कॉमन रीजन होता है ओटाइटिस मीडिया का, ध्यान रखना, क्लेफ्ट पैलेट के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो ओटाइटिस मीडिया का रीजन होता है, क्लेफ्ट पैलेट इज मोस्ट कॉमन रीजन फॉर ईयर इंफेक्शन, मोस्ट कॉमन रीजन फॉर ईयर इंफेक्शन, ठीक है। न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं, किसके अंदर, न्यूबॉर्न बेबी में अगर क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट है तो वहां पर रिस्क किसका होगा, ओटाइटिस मीडिया का रिस्क हमें देखने को मिल सकता है। क्यों, क्लेफ्ट पैलेट में क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ बोनी टिश्यू ऑफ हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट की जो बोनी टिश्यू है उनका इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है। अब जैसे बेबी, जैसे मान लो अगर अब मिल्क सक करता है तो वहां पर क्या होता है, कंटिन्यूअस फ्लूइड कलेक्ट रहता है, ओरल कैविटी के अंदर कंटिन्यूअस फ्लूइड कलेक्ट रहेगा, और कंटिन्यूअस फ्लूइड कलेक्ट रहता है तो रिकरेंट थ्रॉट इंफेक्शन की कंडीशन देखने को मिलती है। लंबे समय तक अगर जो हार्ट पैलेट अगर कंडीशन है, क्लेफ्ट पैलेट, सॉरी क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन है, तो यहां पर क्या होता है, जो ओरल जो भी सिक्रेशन होते हैं, इसके साथ मिल्क जो है बेबी ने मान लो एंगल्फ किया, और कंटिन्यूस यहां पर क्या होगा, फ्लूइड कलेक्ट रहेगा, फ्लूइड कलेक्ट रहेगा तो रेगुलर थ्रॉट इंफेक्शन कंडीशन देखने को मिलेगी, और थ्रॉट इंफेक्शन अगर होता है तो सीधा किसको टारगेट करता है, वो ओटाइटिस मीडिया को, क्योंकि यूस्टेक इन ट्यूब जो होती है वो डायरेक्ट कहां से जुड़ी होती है, मिडिल ईयर से, ओरोफेरिंग से डायरेक्ट कहां पे, मिडिल ईयर से कनेक्ट होती है जो यूस्टेक इन ट्यूब होती है, और फ्लूइड कलेक्शन के कारण थ्रॉट इंफेक्शन होगा, थ्रॉट इंफेक्शन के कारण ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो ईयर एग्जामिनेशन के अंदर अपन बात करें तो डिस्चार्ज एब्सेंट होता है नॉर्मली, अगर डिस्चार्ज प्रेजेंट है तो कंडीशन है इंफेक्शन, और इंफेक्शन भी कौन सा होगा, मोस्ट कॉमन ओटाइटिस मीडिया, और ओटाइटिस मीडिया है, इसका मतलब बेबी के अंदर क्लेफ्ट पैलेट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। सॉरी ये तो बात हुई किसकी, ईयर की, ठीक है, ईयर का फिजिकल एग्जाम हमने कर लिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नोज, नेक्स्ट है नोज। अब नोज के अंदर देखिए, नॉर्मल क्राइटेरिया की बात करते हैं, नोज क्या होता है, प्रेजेंट
प्रेजेंट इन मिड लाइन ऑफ फेस, प्रेजेंट इन मिड लाइन ऑफ फेस, फेस की मिड लाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है, फ्लैट होता है, कैसा होता है, फ्लैट होता है। पेटेंसी की बात करें, पेटेंसी की अगर बात करें तो क्या होगा, नोज क्या होते, पेटेंट होते हैं एंड डू नॉट फ्लेयर। सिंपल याद रखना आप, डोंट फ्लेयर, फ्लेयर नहीं होते, ठीक है, मतलब नेजल फ्लेयरिंग एब्सेंट होती है। नोज क्या होते हैं, पेटेंट होते हैं एंड नेजल फ्लेयरिंग क्या होती है, एब्सेंट होती है। अभी नेजल फ्लेयरिंग क्या होती है बता देंगे आपको। नेजल फ्लेयरिंग देखिए क्या होती है कंडीशन, नेजल फ्लेयरिंग ये एबनॉर्मल कंडीशन है, क्या है, एबनॉर्मल। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ये जो आज की क्लास है थ्योरी की, इसमें क्या है सिंपल एंड जो शॉर्ट जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछने वाले वो क्वेश्चन यहां से अक्सर आते हैं, ठीक है। अब नेजल फ्लेयरिंग क्या होती, देखिए नेजल फ्लेयरिंग के अंदर होता क्या है, वाइडनिंग ऑफ नेयर्स, क्या होता है, वाइडनिंग, वाइडनिंग ऑफ नोज, या अपन बात कर सकते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स, क्या होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, जब बेबी इंस्पायरेशन करेगा उस टाइम में एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या नोज क्या होते हैं, वाइड हो जाते हैं, इसको बोलते हैं अपन नेजल फ्लेयरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेजल फ्लेयरिंग बोलते हैं। और ये कंडीशन इंडिकेट करती है किसको, आरडीएस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, किसको इंडिकेट करती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को इंडिकेट करती है नेजल फ्लेयरिंग। तो यहां पर ध्यान रखिए हमने क्या किया है, नोज का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। नॉर्मली जो नोज होता है वो कहां प्रेजेंट होता है, मिड लाइन ऑफ फेस पर प्रेजेंट होता है, फ्लैट होता है। पेटेंसी की बात करें तो क्या होगा, यहां पर एकदम पेटेंट होता है नोज और डू नॉट फ्लेयर, फ्लेयरिंग एब्सेंट होती है। एबनॉर्मल कंडीशन की बात की, अगर नेजल फ्लेयरिंग प्रेजेंट है तो इंडिकेट करेगा किसको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। और नेजल फ्लेयरिंग होती क्या है, यहां पर वाइडनिंग ऑफ द नोज और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स ड्यूरिंग द इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान नोज क्या होते हैं, वाइड हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं अपन नेजल फ्लेयरिंग, ठीक है। एक एबनॉर्मलिटी हमें देखने को मिल सकती है, सेकंड क्या हो सकता है, यहां पर सेकंड है डेविएटेड नेजल सेप्टम, डेविएटेड नेजल सेप्टम, यहां से भी क्वेश्चन आया था अभी दिल्ली एम्स के अंदर, पीडिया से बहुत क्वेश्चन पढ़े थे यहां पे, और जो सिंपल सिंपल थे, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे पीडिया के। तो ये कंडीशन कहलाएगी डेविएटेड नेजल सेप्टम। अब इसके अंदर क्या होता है, सिंपली अगर बात करें तो नेजल सेप्टम होता है वो क्या करता है, नेजल कैविटी को डिवाइड करता है दो पार्ट के अंदर, ठीक है, नेजल कैविटी को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करता है। नेजल कैविटी को क्या करेगा, दो पार्ट में डिवाइड करता है, प्रेजेंट होता है मिडिल पार्ट ऑफ नेजल कैविटी। नेजल सेप्टम की बात करें कहां पर प्रेजेंट होता है, मिडिल पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, ये सेप्टम की बात करें, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन है, नेजल सेप्टम नेजल कैविटी के मिडिल पार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर कंडीशन यहां पर डेविएटेड नेजल सेप्टम है, मतलब क्या होगा, सॉरी डेविएटेड नेजल सेप्टम की कंडीशन अगर है, सॉरी तो यहां पर देखिए डेविएटेड नेजल सेप्टम में क्या होगा, सिंपली आपको डायग्राम बना के बताता हूं मैं कि नेजल कैविटी है जिसको सेप्टम क्या करता है, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है। सिंपली कंडीशन ऐसे होती है, ठीक है, नेजल कैविटी है, ये नेजल सेप्टम है, ठीक है, इट इज द नेजल सेप्टम। तो ये क्या कर रहा है, नेजल कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, नेजल सेप्टम क्या होगा, डेविएटेड आइदर ऑन लेफ्ट एंड आइदर ऑन
राइट, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड के अंदर क्या हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। डेविएट का मतलब क्या होता है, पथ भ्रम होना। ठीक है, नॉर्मली जो क्राइटेरिया होना चाहिए उससे क्या होगा, या तो लेफ्ट में या राइट साइड के अंदर हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, यहां पर जो नेजल कैविटी है सेम साइड नेजल कैविटी क्या हो जाएगी, सेम साइड तो नैरो हो जाएगी। ठीक है, सेम साइड तो क्या हो जाएगी, नैरो। एंड अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, अपोजिट साइड में क्या हो जाएगी, वाइड। नेजल सेप्टम क्या होता है, डेविएट हो जाता है आइदर ऑन लेफ्ट और राइट, या तो लेफ्ट में या राइट साइड में। तो सेम साइड जिस तरफ डेविएट हुआ है उस तरफ की जो नेजल कैविटी हो जाएगी वो क्या होगी, नैरो हो जाएगी, और अपोजिट साइड की क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी। तो डेविएटेड नेजल सेप्टम का जो सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होगा, इसका कॉम्प्लिकेशन होता है क्या, एपिस्टैक्सिस। डेविएटेड नेजल सेप्टम का जो कॉम्प्लिकेशन होता है क्या होता है, एपिस्टैक्सिस या नोज ब्लीड जिसको बोलते हैं। ठीक है, नोज ब्लीड, एपिस्टैक्सिस या नोज ब्लीड की कंडीशन होती है। यहां पर देखिए, अब ये जो कॉम्प्लिकेशन है एपिस्टैक्सिस, इसका मैनेजमेंट अगर हमें करना है तो इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, मैनेजमेंट के लिए क्या होगा, सिटिंग अपराइट, सिटिंग अपराइट पोजिशन विथ लीन फॉरवर्ड, विथ लीन फॉरवर्ड, सिटिंग अपराइट विथ लीन फॉरवर्ड पोजिशन, देन पिंच द नोज, देन पिंच द नोज, नोज को क्या करेंगे अपन, पिंच करेंगे। आफ्टर देन अप्लाई द आइस, आफ्टर देन अप्लाई द आइस, आइस अप्लाई करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, डेविएटेड नेजल सेप्टम की कंडीशन है। नेजल सेप्टम जो डिवाइड करता है नेजल कैविटी को वो डेविएट होता है या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। जिस साइड में डेविएट होगा उस साइड में क्या हो जाएगा, नेजल कैविटी नैरो हो जाएगी। अनदर साइड के अंदर नेजल कैविटी क्या होती है, वाइड हो जाती है। इसका सबसे मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है एपिस्टैक्सिस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डेविएटेड नेजल सेप्टम तो क्या कहलाएगा, एपिस्टैक्सिस होता है। और एपिस्टैक्सिस का मैनेजमेंट कैसे करेंगे अपन, सिटिंग अपराइट पोजिशन विद द लीन फॉरवर्ड, आफ्टर देन पिंच द नोज एंड देन अप्लाई द आइस। तो ये कंडीशन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट यहां से बात करते हैं अपन, अब देखिए, अब बात करते हैं अपन ओरल कैविटी की। ओरल कैविटी फोर है, ओरल कैविटी फिफ्थ है। ठीक है, फिफ्थ अपना जो टॉपिक है जिससे अपन फिजिकल एग्जामिन कर रहे हैं वो है ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी के अंदर देखिए नॉर्मल क्राइटेरिया बात करें पहले। ठीक है, नॉर्मल क्राइटेरिया में हमें देखने को मिलता है क्या, एपस्टीन पियर्स, एपस्टीन पियर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये क्या होते हैं, व्हाइट कलर के सिस्ट प्रेजेंट होते हैं कहां पर, हार्ड पैलेट के ऊपर, व्हाइट कलर सिस्ट प्रेजेंट ऑन द हार्ड पैलेट। ठीक है, नॉर्मल क्राइटेरिया होते हैं एपस्टीन पियर क्या होते हैं, व्हाइट कलर सिस्ट। ठीक है, व्हाइट कलर सिस्ट प्रेजेंट ऑन हार्ड पैलेट, प्रेजेंट ऑन हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मल क्राइटेरिया है। डिसअपीयर हो जाते हैं 1 to 2 वीक में, पेनलेस होते हैं, क्या होते हैं, पेनलेस होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक डिसअपीयर, ऑटोमेटिक डिसअपीयर, ये क्या होता है, नॉर्मल क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं ओरल कैविटी में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, ओरल कैविटी की बात हो गई है, अब इसके अंदर अपन एबनॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। अगर एबनॉर्मल कंडीशन देखिए ओरल कैविटी में, देखिए राइनोप्लास्टी नहीं होती, उसमें सेप्टोप्लास्टी अपन करते हैं। डेविएटेड नेजल सेप्टम में क्या करते हैं, सेप्टोप्लास्टी कंडीशन। ठीक है, सेप्टोप्लास्टी जो सर्जरी होती है वो अपन करते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल कंडीशन में देखिए, एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, व्हाइट सिस्ट, क्या व्हाइट सिस्ट ऑन टंग एंड गम्स,
ड्यू टू एक्सेस ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस एक्सेस ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस व्हाइट सिस्ट क्या होगी प्रेजेंट होती है क्या होती है व्हाइट सिस्ट प्रेजेंट होती है एबनॉर्मल कंडीशन है व्हाइट सिस्ट कहां पर होगी टंग एंड गम्स पर क्यों ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकेंस जो एक प्रकार का क्या है फंगस है कैंडिडा एल्बिकेंस क्या है फंगस होता है ठीक है इसकी एक्सेसिव ग्रोथ के कारण क्या होता है यहां पर व्हाइट सिस्ट प्रेजेंट होती है कैंडिडा एल्बिकेंस की एक्सेसिव ग्रोथ जिसको अपन क्या बोलते हैं ओरल थ्रस क्या बोलते हैं ओरल थ्रस ठीक है ओरल थ्रस की कंडीशन बोलते हैं अगर व्हाइट सिस्ट प्रेजेंट होती है टंग्स और गम्स के ऊपर वो कैंडिडा एल्बिकेंस होता है और ओरल थ्रस इस कंडीशन को बोलते हैं ठीक है अब ये भी क्या होते हैं पेनलेस होते हैं क्या होते हैं पेनलेस एंड डोंट डिसअपियर ऑटोमेटिकली ठीक है डोंट डिसअपियर ऑटोमेटिकली इसके लिए अपन यूज में लेते हैं क्या एंटी फंगल एजेंट फ्लुकेनाजोल ठीक है कौन सा फ्लुकेनाजोल एंटी फंगल एजेंट यूज में लेते हैं कौन सा फ्लुकेनाजोल यूज में लेते हैं ठीक है ओरल केविटी की बात हो गई इसके साथ ही देखिए ओरल केविटी से रिलेटेड और दो कंडीशन होती है फर्स्ट इज द क्लैप्ट लिप और क्लैप्ट पैलेट यहां से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में ठीक है अब क्लैप्ट लिप का मतलब क्या हो गया इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप लिप के जो सॉफ्ट टिश्यू है उनका इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है क्लैप्ट लिप की कंडीशन कहलाएगी क्लैप्ट पैलेट में क्या होगा इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ बोनी टिश्यू ऑफ पैलेट बोनी टिश्यू ऑफ पैलेट पैलेट के जो बोनी टिश्यू है उनका इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है इसको बोलेंगे अपन क्या क्लैप्ट पैलेट और क्लैप्ट लिप के अंदर सर्जरी जो अपन करते हैं सर्जरी से क्वेश्चन पूछता है यहां पर सर्जरी जो अपन करते हैं कब करते हैं 1-3 मंथ ऑफ एज कब करते हैं 1-3 मंथ ऑफ एज पर अपन क्या करते हैं क्लैप्ट लिप की जो सर्जरी है वो अपन परफॉर्म करते हैं और क्लैप्ट पैलेट की कब करते हैं इसकी सर्जरी अपन कब करते हैं जस्ट बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच स्पीच डेवलपमेंट से पहले अप्रोक्सीमेट 18 मंथ ऑफ एज पर क्या करते हैं अपन क्लैप्ट पैलेट की सर्जरी परफॉर्म करते हैं सर्जरी का नाम क्या होता है यहां पर इसको बोलते हैं अपन चीलोप्लास्टी या लेबियोप्लास्टी ठीक है और यहां पर अपन कौन सी करते हैं स्टेफाइलोरेपी ठीक है या पैलेटोप्लास्टी या कौन सी होती है पैलेटोप्लास्टी ठीक है तो ये हो गया किसका ओरल कैविटी का फिजिकल एग्जामिनेशन ठीक है एंटीर पोस्टर फ्रंटल का एक्चुअल क्या होगा क्लोजिंग टाइम वही होता है 18 मंथ ऑफ एज पे एंटीर होता है ठीक है और पोस्टर होता है 6 वीक पे या 45 डेज या 1.5 महीने पे ठीक है तो यहां हमने देखिए कौन कौन सी बात कर ली पहला हमने देखा हेड उसके बाद में हमने बात की आईज के बारे में फिर ईयर के बारे में फिर नोज के बारे में फिर ओरल कैविटी के बारे में अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसका चेस्ट नेक्स्ट है चेस्ट सिक्स जो पॉइंट है फिजिकल असेसमेंट का हेड टू टो असेसमेंट अपन करेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट अपना कौन सा है चेस्ट देखिए नॉर्मल क्राइटेरिया में क्या होगा
सर्कुलर अपीयरेंस, क्या होगा? सर्कुलर अपीयरेंस, सर्कुलर अपीयरेंस को दिखता है हमें, क्योंकि जो एंटीरो पोस्टीरियर, एंटीरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता है? ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होता है? इक्वल होता है. ट्रांसवर्स डायमीटर क्या होगा? इक्वल होता है. ठीक है, इसलिए हमें क्या होता है? सर्कुलर अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है. जस्ट देखिए, क्लैट पैलेट की जो सर्जरी अपन 18 मंथ पे करते हैं या जस्ट बिफोर स्पीच डेवलपमेंट पे. ठीक है, नेक्स्ट यहां से देखिए, ये तो हो गया कौन सा? एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर इक्वल होने के कारण सर्कुलर अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है. किसमें? चेस्ट के अंदर. एबनॉर्मल कंडीशन क्या हो सकती है? एबनॉर्मल क्या होगा हमें? पीजन शेप चेस्ट हमें देखने को मिलती है. कौन सी? पीजन शेप चेस्ट देखने को मिलती है. ठीक है, पीजन शेप चेस्ट हमें देखने को मिलती है. सॉरी. अब यहां से देखिए, एक चेस्ट से अपन क्या करते हैं? स्किन ट्रगर भी चेक करते हैं बेबी के अंदर. सॉरी, एडल्ट के अंदर बात करते हैं. ठीक है, इससे रिलेटेड देखिए, एडल्ट के अंदर जो स्किन ट्रगर है, स्किन ट्रगर वो कहां से करते हैं अपन? स्टर्नम एंड थाइस. जबकि न्यूबोर्न की बात करें तो जो स्किन ट्रगर होता है किसमें? न्यूबोर्न पे. वो चेक करते हैं अपन कहां से? एब्डोमन से. ये चीज ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. एडल्ट के अंदर पर स्किन ट्रगर कहां से चेक करते हैं? स्किन ट्रगर चेक करेंगे पर स्टर्नम से एंड थाइस से. जबकि न्यूबोर्न के अंदर कहां से चेक करते हैं अपन? एब्डोमन पार्ट से अपन क्या करते हैं? स्किन ट्रगर चेक करते हैं. अब नेक्स्ट देखिए, यहां से रेस्पिरेशन की बात करते हैं अपन. किसकी? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन तो जो न्यूबोर्न होता है उसके अंदर क्या होता है? डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन होता है. क्या होता है? डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन, अगर नॉर्मल है तो. ठीक है, डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है अगर बेबी क्या है? नॉर्मल कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन होगा. अब डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है? राइज एंड फॉल. क्या होता है? राइज एंड फॉल चेस्ट एंड एब्डोमेन विथ रेस्पिरेशन. ठीक है, जैसे बेबी इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन करता है तो उसके साथ क्या होता है? चेस्ट और एब्डोमेन क्या होगी? राइज एंड फॉल. क्या होगी? राइज एंड फॉल. तो उसको बोलेंगे अपन क्या? डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन. राइज एंड फॉल ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमेन, चेस्ट एंड एब्डोमेन विथ रेस्पिरेशन, विथ रेस्पिरेशन. नॉर्मल होता है. डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन क्या होता है? नॉर्मल होता है. देखिए नेक्स्ट, यहां पर अगर एबनॉर्मल रेस्पिरेशन है, क्या है? एबनॉर्मल कंडीशन है. तो एबनॉर्मल कंडीशन में क्या होगा यहां पर? सी सॉ रेस्पिरेशन. क्या होगा? सी सॉ रेस्पिरेशन. अब सी सॉ रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? डोंट राइज एंड फॉल. क्या? डोंट राइज एंड फॉल. डोंट राइज एंड फॉल विथ रेस्पिरेशन. चेस्ट एंड एब्डोमेन का जो राइज एंड फॉल की कंडीशन थी, नॉर्मल क्राइटेरिया था डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन के अंदर, वो हमें सी सॉ रेस्पिरेशन में देखने को नहीं मिलता. इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन. देखिए, ये भी एम्स के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आई ड्रॉप या ऑनमेंट वाला. अभी कंफर्म नहीं है कि एम्स के अकॉर्डिंग वो क्या अपना इसका आंसर मानता है. बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो वो अपने अकॉर्डिंग भी आंसर दे सकता है. ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए. सॉरी, आज थोड़ी तबीयत खराब है. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां से, ये तो होगी किसका? रेस्पिरेशन से रिलेटेड. अब हम बात करते हैं किसका? बीबीज के अंदर
नेक्स्ट जो असेसमेंट होगा वो करते नेक। यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, सेवंथ नेक। बीबी के अंदर जो नेक होती है नॉर्मली क्या होती है, थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है, शॉर्ट होती है एंड फुल रेंज ऑफ मोशन क्या होते हैं, प्रेजेंट। फुल रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। नॉर्मल क्राइटेरिया थिक होती है, शॉर्ट होती है एंड फुल रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल कंडीशन देखिए, एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर देखिए एक कंडीशन आती है टॉर्टिकोलिस। कौन सी? टॉर्टिकोलिस। टॉर्टिकोलिस का मतलब क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ हेड। क्या होता है? फिक्सेशन ऑफ हेड, फिक्सेशन ऑफ हेड ड्यू टू स्पाज्म एंड रिजिडिटी, स्पाज्म एंड रिजिडिटी ऑफ नेक मसल्स, ऑफ नेक मसल्स। नेक मसल्स के अंदर स्पाज्म और रिजिडिटी कारण क्या होता है? हेड का फिक्सेशन हो जाता है, कंडीशन कहलाती है टॉर्टिकोलिस। ये तीन प्रकार का होता है, एंटीरोकोलिस, रिट्रोकोलिस एंड लेट्रोकोलिस। देखिए एंटीरोकोलिस तीन कंडीशन है, एंटीरोकोलिस, रिट्रोकोलिस एंड लेट्रोकोलिस। अब तीनों के अंदर देखिए हेड का जो फिक्सेशन पॉइंट है वो डिसाइड करता है। एंट्रोकोलिस का मतलब क्या हो गया? फिक्सेशन ऑफ हेड इन एंटीरियर पोर्शन, फिक्सेशन एट एंटीरियर पोस्चर। एंटीरियर पोस्चर के अंदर क्या हो जाएगा? हेड का फिक्सेशन हो जाएगा। रिट्रो के अंदर क्या होगा? फिक्सेशन एट पोस्टीरियर, ठीक है, फिक्सेशन एट पोस्टीरियर पोस्चर। और लेट्रोकोलिस के अंदर इन लेटरल साइड, लेटरल साइड आइदर में भी लेफ्ट भी हो सकता है या राइट भी हो सकता है, ठीक है। हेड का फिक्सेशन हो जाता है या तो एंटीरियर साइड में या पोस्टीरियर साइड में या लेफ्ट या राइट, इसको अपन बोलेंगे लेट्रोकोलिस। अब नेक्स्ट यहां पर देखिए, अगर एक्सेसिव फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट है नेक के ऊपर, एक्सेसिव स्किन फोल्ड ऑन नेक, नेक के ऊपर अगर एक्सेसिव स्किन फोल्ड है सॉरी अगर नेक के ऊपर एक्सेसिव स्किन फोल्ड है तो किसको इंडिकेट करता है? ये डाउन सिंड्रोम को। किसको? डाउन सिंड्रोम को, ठीक है, डाउन सिंड्रोम को इंडिकेट करता है, ठीक है। नेक का असेसमेंट हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एब्डोमिनल असेसमेंट, एब्डोमिनल असेसमेंट। एब्डोमिनल असेसमेंट के अंदर देखिए अगर हमें डायलेटेड ब्लड वेसल्स अगर हमें देखने को मिल रही है एब्डोमेन के ऊपर, ठीक है, डायलेटेड ब्लड वेसल्स ऑन एब्डोमेन, किसको इंडिकेट करता है? ये प्री टर्म बेबी को। किसको इंडिकेट करेगा? प्री टर्म बेबी, ठीक है, ध्यान रखना। प्री टर्म बेबीज के अंदर क्या होता है? डायलेटेड ब्लड वेसल्स हमें दिखाई देती है एब्डोमेन के ऊपर, ठीक है, प्री टर्म बेबी के अंदर डायलेटेड ब्लड वेसल्स हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट बात करते हैं एब्डोमेन से रिलेटेड, जो बाउल साउंड है, बाउल साउंड अपियर विद इन 24 आवर्स ऑफ बर्थ, 24 आवर्स ऑफ बर्थ,
24 आवर ऑफ बर्थ के अंदर क्या होता है, बाउल साउंड हमें सुनाई देती है, ठीक है। जो फर्स्ट बाउल साउंड होती है कौन सी, फर्स्ट बाउल साउंड, वो कहां सुनाई देती है हमें, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर। कहां पर, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर हमें फर्स्ट बाउल साउंड सुनाई देगी, राइट लोअर क्वाड्रेंट, ध्यान रखना। फर्स्ट बाउल साउंड कहां सुनाई देती है हमें, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर हमें सुनाई देती है, ठीक है। नेक्स्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा पूछता आपको, फिजिकल असेसमेंट ऑफ एब्डोमन, तो अपन पहले नॉर्मल बात करते हैं फिर एब्डोमन की बात करते हैं। फिजिकल असेसमेंट कैसे करते हैं, जो सीक्वेंस होता है देखिए, अपन जनरली बात करते हैं, एक तो जनरल असेसमेंट अपना और एक बात करते हैं अपन एब्डोमन के ऊपर, तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस भी देख लेना कि कहां पर ये डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला आता है अपना इंस्पेक्शन, क्या आता है इंस्पेक्शन, एब्डोमेन के अंदर भी अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इंस्पेक्शन ही करते हैं, ठीक है। एब्डोमेन के अंदर भी अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्पेक्शन ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन जनरली अगर बात करते हैं, देखिए इसमें पांच स्टेप होती है, इंस्पेक्शन होता है, पैल्पिटेशन होता है, परक्यूशन होता है, एस्कल्टेशन होता है और मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इंस्पेक्शन हमने किया, उसके बाद में पैल्पेशन, उसके बाद में क्या करेंगे अपन पैल्पेशन, थर्ड नंबर पे क्या करेंगे अपन परक्यूशन, थर्ड नंबर पे क्या करते हैं परक्यूशन, देन एस्कल्टेशन, देन एस्कल्टेशन एंड लास्ट में है मैनिपुलेशन, लास्ट में क्या है मैनिपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज द एब्डोमेन की बात करें, एब्डोमेन में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंस्पेक्शन हमने किया, उसके बाद में क्या करेंगे अपन एस्कल्टेशन, एस्कल्टेशन, उसके बाद में परक्यूशन, उसके बाद हमने क्या किया पैल्पेशन, और लास्ट में क्या करते अपन मैनिपुलेशन, ठीक है। लास्ट में क्या करते अपन मैनिपुलेशन, ठीक है। अब यहां पर जनरल और एब्डोमेन के अंदर देखिए डिफरेंस क्या है, इंस्पेक्शन सेम पोजीशन पे है, परक्यूशन सेम पोजीशन पे है और मैनिपुलेशन, बस एब्डोमेन में हमें करना क्या है, सबसे पहले एस्कल्टेशन, इंस्पेक्शन के बाद में जस्ट एस्कल्टेशन हमें करना है, ठीक है। इस देखिए यहां पर इंस्पेक्शन के जस्ट बाद में क्या करना है, एस्कल्टेशन हमें करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया फिजिकल एग्जामिनेशन का, फिजिकल असेसमेंट का जो वे ऑफ मेथड होता है जनरल और एब्डोमेन के अंदर। यहां से भी एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको आप करेक्टली आप देख ले। और नेक्स्ट अपना यहां से जो असेसमेंट है वो नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन बात करेंगे किसका, जेनाइटल असेसमेंट के बारे में, जेनाइटल असेसमेंट वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, दो क्लासेस के अंदर ये कंप्लीट करवा देंगे आपको, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दोबारा रिवाइज करवाता हूं शॉर्ट रिव्यू के अंदर, देखिए फिजिकल एग्जामिनेशन की हमने बात की थी, फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने आपको बताया था कि हेड टू टो एग्जामिनेशन हम करेंगे, तो सबसे पहले हमने यहां पर देखा था आपको हेड टू टो एग्जामिनेशन में सबसे पहला था अपना हेड, तो हेड के अंदर अपने नॉर्मल क्राइटेरिया देख लिया, अगर 33 से कम है तो माइक्रो, अगर 35 से ज्यादा है तो मैक्रो से पहले होगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसके सूचर लाइन के बारे में बात कर ली, फोंटनेल के बारे में बात कर ली, और कुछ जो बर्थ इंजरीज हमें देखने को मिलती है सिफेल हेमेटोमा या कैपर्ट सक्सिडियम की कंडीशन के हमें देख ली। फिर उसके बाद में हमने आईज से रिलेटेड कंडीशन देखी कि नॉर्मल आईज के अंदर क्या होता है, जो प्यूपिल होती है वो इक्वल होती है, सिमेट्रिकल होती है, अगर प्यूपिल्स क्या होगी अनइक्वल होती है तो उसको बोलते हैं एन आइसोकोरिया बोलते हैं कंडीशन। प्यूपिल का जो डायमीटर होता है ब्राइट लाइट में 2 to 4 mm होता है और डिम लाइट के अंदर 4 to 8 mm होता है, स्किन कलर पर डिपेंड करता है, ठीक है। प्यूपिल का जो कलर है वो स्किन कलर पर हमें डिपेंड करता है।
अगर स्किन का कलर क्या है, जो नॉर्मल अपना मानते हैं कि लाइट कलर है, तो आईज का अपना कलर कैसा होगा, स्लेट कलर आईज हमें देखने को मिलेगी। अगर स्किन का कलर डार्क है तो डार्क ब्लू या डार्क ब्राउन हमें आईज देखने को मिलेगी। नॉर्मली डिस्चार्ज एब्सेंट होता है, कंडीशन अगर ऑप्थेल्मिया, नियोनेट्रम या क्लेम आइडिया कंजक्टिवाइटिस है तो वहां पर इन्फेक्शन के कारण डिस्चार्ज भी हमें देखने को मिल सकता है। ईयर की बात की हमने, ईयर जो होता है इमेजिनरी प्लेन अपन ड्रॉ करते हैं, कहां से, आउटर कैंथस से इमेजिनरी प्लेन हमने ड्रॉ किया, इससे जस्ट अबाउ क्या होता है, ईयर ऑरिकल प्रेजेंट होता है। और कंडीशन अगर होती है डाउन सिंड्रोम तो उसमें हमें देखने को मिलेगा लॉस सेट ऑफ ईयर। ईयर क्या होते हैं, इमेजिनरी प्लेन से जस्ट नीचे होते हैं, इनको बोलते हैं लॉस सेट ईयर। नॉर्मली डिस्चार्ज एब्सेंट होता है, अगर डिस्चार्ज प्रेजेंट है मतलब कंडीशन क्या है, ओटाइटिस मीडिया। और ध्यान रखिए जो क्लेफ्ट पैलेट की कंडीशन है वहां पर सबसे ज्यादा रिस्क होता है ओटाइटिस मीडिया का, क्योंकि क्लेफ्ट पैलेट के कारण क्या होता है, वहां पर फ्लूड कलेक्शन होगा, फ्लूड कलेक्शन के कारण क्या होगा, कंटिन्यूअस वहां पर फ्लूड का कलेक्शन के कारण सोर थ्रोट होगा, सोर थ्रोट या रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन मान सकते हैं, जिसमें यूज टेकन ट्यूब के द्वारा ओटाइटिस मीडिया कोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने यहां से बात की आपका नोज के बारे में। तो नोज के अंदर सबसे पहले कंडीशन आती है कि पैटेंट होता है, मिड लाइन में प्रेजेंट होता है, डू नॉट फ्लेयर। पैटेंसी क्या होती है, डू नॉट फ्लेयर, नेजल फेयरिंग एब्सेंट होती है। नेजल फेयरिंग प्रेजेंट किसमें होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की कंडीशन में ही प्रेजेंट होती है, क्या, नेजल फ्लेयरिंग। ठीक है, देखिए डायग्राम के साथ भी आपको बता देंगे, क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम के साथ ही हम किसी चीज को सॉल्व करवाते हैं, डोंट बी वरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेजल फेयरिंग की बात हो गई, किसमें होता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, और डेविटेड नेजल सेप्टम की कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, सेप्टम जो होता है वो वन साइड में डेविट हो जाता है, जिसका कॉम्प्लिकेशन मैंने आपको बताया एपिस्टैक्सिस। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, लीन फॉरवर्ड और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, पिंच, नोज को पिंच कर लेंगे और अप्लाई आइस कर देंगे। ठीक है, ओरल के अंदर क्या हमने आपको बताया, एपस्टिन पीएल्स प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली हार्ड पैलेट के ऊपर, और अगर एब्नॉर्मल कंडीशन है तो वो क्या है, टंग और गम्स के ऊपर कैनिडा एल्बिकेंस के कारण व्हाइट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक प्रकार का फ्लुकोनाजोल या एंटीफंगल मेडिकेशन के द्वारा उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के बारे में बताया, लिप की जो सर्जरी होते हैं 1 to 3 months पे करते हैं, पैलेट की सर्जरी 18 months ऑफ एज पे करते हैं। लिप की सर्जरी को बोलते हैं चिलोप्लास्टी, लेबियोप्लास्टी, और पैलेट की सर्जरी को बोलते हैं स्टेफालोरेपी या पैलेटोप्लास्टी कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया चेस्ट के बारे में, सर्कुलर अपीयरेंस होता है, एंट्रो पोस्टर और जो लेटरल जो डायमीटर होता है वो सेम होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन की बात की, उसमें क्या होता है नॉर्मली डायफ्रामेटिक रेस्पिरेशन, चेस्ट और एब्डोमेन क्या होते हैं, बोथ आर राइज एंड फॉल विद द रेस्पिरेशन, नॉर्मल कंडीशन है। एब्नॉर्मल कंडीशन में सी सा रेस्पिरेशन, एब्नॉर्मल कंडीशन क्या कहलाएगा, सी सा रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा, डू नॉट राइज एंड फॉल ऑफ द चेस्ट विद रेस्पिरेशन, डू नॉट राइज एंड फॉल ऑफ चेस्ट एंड एब्डोमिन विद रेस्पिरेशन, कंडीशन कहलाएगी सी सा रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में हमने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन के बाद में मैंने आपको बताया था एब्डोमेन के अंदर क्या होता है, डायलेटेड ब्लड वेसल्स अगर प्रेजेंट है मतलब कंडीशन क्या है, प्री टर्म बेबी, कंडीशन क्या है, प्री टर्म बेबी। और जो बाउल साउंड होते हैं फर्स्ट 24 आवर के अंदर हमें सुनाई देते हैं, फर्स्ट बाउल साउंड जो होगा वो कब सुनाई देता, कहां सुनाई देता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर सुनाई देता है, फर्स्ट 24 आवर के अंदर सुनाई देगा, और फर्स्ट कहां सुनाई देता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट के अंदर फर्स्ट बाउल साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है, और ध्यान रखना जो स्किन ट्रिगर है वो अपन चेक करते हैं कहां से, न्यूबॉर्न के अंदर एब्डोमेन से चेक करते हैं, न्यूबॉर्न में एब्डोमेन से स्किन ट्रिगर चेक करते हैं, एडल्ट के अंदर स्किन ट्रिगर या तो स्टर्नम से चेक करेंगे या थाई से अपन चेक करते हैं। तो ये अपना फिजिकल असेसमेंट हो गया कहां तक का। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जेनिटल ऑर्गन से आगे के बारे में, जो फिजिकल असेसमेंट के अंदर 2 क्लासों में कंप्लीट हो जाएगा आपका, और जनरल पीडी आपकी कंटिन्यू चल रही है, और ओबीजी का आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस हो गया है, 80-85% सिलेबस हो गया है आपकी, 8 या 10 क्लासेस और बची हैं वो आपकी मैं करवा दूंगा, डोंट बी वरी। आप तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएं, एनएचएम की एग्जाम आ रही है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें, पीजीआई का और जिपमेर का हम पेपर डाल देंगे 1-2 दिन के अंदर, तैयार कर रहे हैं अभी। सो कंटिन्यू आप यू सपोर्ट करते रहे, बस आपका सपोर्ट ये हमारे लिए एक वैल्यूएबल फीडबैक होता है जो हमें मोटिवेट करता है कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए करने को। ठीक है, जब तक आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, आपका रिव्यू आता रहेगा कंटिन्यू, तो वैसे ही वो चीज हमें मोटिवेट करती है कि हम आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा करें। ठीक है, तो आप 1 मिनट का टाइम निकाल के आप अपने जो सोशल मीडिया अगर आप यूज करते हैं तो उसके अंदर पर आप शेयर कर दें, ताकि और भी फ्रेंड्स अपने उन सभी के पास ऐसी चली जाए, और कंटिन्यू आप
क्लासेस से जुड़े रहिए, यहां से आपको अगर फ्री ऑफ कॉस्ट इतना मेटेरियल हम आपको देने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको जरूर लेना चाहिए और आगे भी आप फॉरवर्ड करते रहे ताकि जो भी अपने फ्रेंड्स हैं उन सभी को ये चीज का बेनिफिट मिल सके। सो थैंक यू फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।